जुहार मुई भेणु आपण देखुछन नुआखाई एक्सप्रेस खबर मूल कर्मा हेडलाइंस नु। कलाहानी ने मंत्री तुषार कांति बेहरा के अंडा माड़, कांग्रेस कर्मी कर कला पत्का प्रदर्शन, ममिता मर्डर घटना के मंत्री कर गस्त के विरोध, कैप्टन कर इस्तीफा सह ममिता के न्याय दाबी। ममिता मेहर मर्डर मामला, राय सरकार का उपरे बरसिले राज्य बीजेपी प्रभारी डी पुरेन्देश्वरी, गृहमंत्री के सरकार देउचन सुरक्षा, सरकारी कार्यक्रम ने पाखे बसौचन, कहले राज्य असुरक्षित महिला। थाना बाबू साजिछन दमी दलाल, ड्यूटी टाइम ने काम बदले चलीछे जमी डील, लेनदेन हिसाब रखुचन पुलिस बाबू, जमी मालिक गिनबा लोकंकर भितरे मध्यस्थी छाजिछन थाना अधिकारी। सुंदरगढ़ बहुचर्चित एक्सिस बैंक लूट घटना, लूट ने व्यवहार होता पुलिस सर्विस रिवल्वर, सदर थाना एसआई मित्र भानु नायकर पु जयदेव नायक बंदूक देखे करी करी 15 लाख लूट। स्मार्ट सिटी राउरकेला ने शिक्षा अव्यवस्था अजब दृश्य, गोटे आड़े होउछे स्मार्ट स्कूल आर गोटे आड़े स्कूल भूलीगला प्रशासन, विपद सांगे पाठ पढ़ुचन स्कूल छात्र छात्री। आरु आज बिहारी संप्रदाय गणपर्व छठ पूजार पहला दिन, अस्तगामी सूर्य के जल अर्पण करवे व्रतधारी, आज सारा राति उजागर, आबार काली सूर्य के पूजार्चना उतारू हेबा व्रत भंग। आसमा पूरा खबर के सुंदरगढ़ बहुत चर्चित एक्सिस बैंक लूट घटना, लूट ने पुलिस सर्विस रिवल्वर व्यवहार करा जायतिबा ने करी सूचना दैछन सुंदरगढ़ एसपी सागरिता नाग। सुंदरगढ़ सदर थाना ने काम करूतिबा एएसआई मित्रभानु नायकर पु जयदेव नायक गला काली सहरर एक्सिस बैंक नु 15 लाख टंका लूट करी फेरार होउथिला। टंका धरी बाहर के आसी जने बाइक चालक के बंदूक देखे करी डराई करी पलावा के उद्यम करथिला, तेबे शंकरा पाखे पुलिस उपरे गुली भी करथिला, जवाब ने पुलिस भी उल्टा फायरिंग करथिला, आरु इतिने लुटेरा जयदेव नायक आहत होइथिला, आरु लुटला के धरबा के सक्षम होइथिला पुलिस। अलग आड़े पुलिस लुटेरा के काबू करवार संगे लूट टंका आरु बंदूक जबत करिछे, हेले एबे तक संपृक्त पुलिस अधिकारी विरोध ने केनसी कार्यानुष्ठान निया नै जिबा। जो एंटायर प्रोसेस रे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन परे आमर जाना पड़ी कि जे अक्यूज अच्छी सी गोटे ए साईंकर आमर पुओ थिला जो आउ दि सर्विस पिस्टल वाज ऑल्सो यूज। फर्दर आमर इन्वेस्टिगेशन चली कि आउ कहार इनवॉल्वमेंट इतरे अच्छी कि नहीं, एज पर दि लॉ जहाँ आमर तदंतर बाहर से अकॉर्डिंगली आमर फर्दर एक्शन नियाज से विषय में आमर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चली जेहेतु अक्यूज जी अच्छे से हॉस्पिटलाइज अच्छा सी तापर आम किसी डिटेल कहीपर पुलिस डिपार्टमेंट निष्क्रियता आज सुंदरगढ़ सहर से विभिन्न चोरी डकायती सब बढ़ी चलती आ मु तो कह जो सब चोरी डकायती सब जहाँ हो कालीर भी जो बैंक लुट है या पछरे मुख्य कारण होपे आम सुंदरगढ़ सहर से चली धला जहर यही धला जहर पर ही आज आम यू दुर्दिन देखा पड़ू आम सुंदरगढ़वासी आउ पुलिस अफिसर रुओ जी आज्ञा रक्षक तार निजर पुओ जदि पुलिस बंधुक धरिकी जदि से बंधुक मुंडे लुट करुच्छी याठ बड़ पुलिस कौन निष्क्रियता रही पारे जेहेतु गोटे पुलिस अफिसर तर नेग्लीजेन्स वेपन टाक निजर पुओ यूज करके मैंने बैंक डकायती करते से सुंदरगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट इमिडिएटली एगेन्स्ट आईन अनुजाई कार्यानुष्ठान इमिडिएटली नवा दरकार। थाना अधिकारी साजिछन जमी बेपारी, थाना परिसर ने काम बदले चली जमी डील, टंका नेटदेन आलोचना करुछन थाना अधिकारी, थाना भितरे चली जमी डील, जमी मालिक जमी घिनबा लोकंकर भितरे मध्यस्थी साजिछन थाना अधिकारी। समलपुर जिला धनुपाली थानानु एंता सांघातिक अभियोग आसीछे, बिलासपुर ने रहुथिबा जने व्यक्तिंकर जमी समलपुर ने 44 डिसमिल रहीछे, जाके घिनबा के समलपुर जने ग्राहक धनुपाली थाना अधिकारी के जोगाजोग करते थाना अधिकारी जनक उभय के डाकी थाना ने जमी किणाबेका नहीं करी आलोचना करितिबा अभियोग हिछे, एंता कि केते टंका ने जमी बिक्री हेबा केबे जमी बिक्री हेबा से नहीं करी थाना अधिकारी आलोचना करिछन, जाके नहीं करी स्थानीय अंचल बुद्धिजीवी माने प्रश्न उठेछन, तेबे ए नहीं करी संपृक्त थाना अधिकारी किंबा समलपुर एसपी मुनै खुलबा। विचित्र कथा
राज्य प्रशासन केमी चली तार मत कि बुझे हुए पुलिस अधिकारी से रेवेन्यू मैटर रे दलाली कर एसपी जान ले भी एक्शन किसी ना मुझे बुझीपनि प्रशासन गति कड़े जा कौन कौन से केते साहस कला किमता पर ऑफिशियल लेटर दे लेटर इज वायरल से निज सिल पिटिकी चिठी दे चिठी वायरल होना ऑफिशियल प्रोसीडिंग कहीं होनी व्हाई नॉट कॉग्निजेंस बीइंग टेकन अगेंस्ट हिम इमीडिएट सस्पेंड होगा कथा तार चेयर अब्यूज कला गोटे वाईसी जमी डी जो चिठी लिखे लिखित चिठी अच्छे बर्तमान देखो ये सरकार मानने ऑफिसर राज पुलिस राज यू परिप्रेक्षी मानने थाना समूह भी जहा जा रही थाना मैंने भी निजे निजे मानने कोर्टर दायित्व निर्वाह कर बसिले जोटा कि मानने गणतांत्रिक राष्ट्रपाई गोटे सतर्क घंटी मैंने जो मैंने आईन अदालत परिसरभुक्त होगा कथा से थाना हम निश्चित रूपे मानने कि भाव मैंने थाना गुड़िक परिचालित होता गोटे चर्चार विषय बर्तमान मंत्री तुषारकांति बेहरा के अंडामाड़ कलाहांडी ने मंत्री के कांग्रेस कर्मी कला पताका देखबार संगे अंडामाड़ करिचन ममिता मर्डर प्रसंग ने मंत्री के कलाहांडी गस्त के विरोध करिछे कांग्रेस ममिता मर्डर मामला ने मंत्री कैप्टन दिवशंकर मिश्र इस्तफा संगे ममिता के न्याय दाबी करिछे कांग्रेस इतार संगे आग्नु मंत्री दिवशंकर मिश्र गाड़ी की मध्य अंडामाड़ होता ममिता मर्डर विकास आरु दुर्नीति प्रसंग ने राज्य सरकार के टारगेट प्रेसमीट ने बीजेडी उपरे बरसिले ओडिशा प्रहरी डी पुरेन्देश्वरी विकास के मुद्दा करी निर्वाचन के उतरवा बीजेपी लोकंकर पाके पहुंचवा के पीएम कर विकासमुखी काम ओडिशार बीजेपी कर्मी भितर उत्साह रही गरीबर विकास लगे काम करुचे मोदी सरकार जनता लगी तेल दरु टिकस कमाइचन केन्द्र सरकार केन्द्र कमाला टिकस हेले सामान परिमाण राज्य सरकार नाई कमाय दर सेन्ता ममिता मृत्यु के गोटे दुखतारु संवेदनशील घटना बोली कहिचन हेले कार्यानुष्ठान बदले राज्य सरकार अपराधी नेता मंत्री के सुरक्षा देउचन हत्याकारी आरु अपराधी के सुरक्षा देउचे राज्य प्रशासन इ प्रसंग ने गृहराष्ट्र मंत्री दिवशंकर मिश्रंकर इस्तफा दाबी करिचन पुरेन्देश्वरी सेन्ता कालिया योजना ने भी बड़ दुर्नीति कथा उठेचन राज्य प्रभारी तेबे राज्य ने होउतिबा विकास पछे केन्द्र योजना बड़ भूमिका रहिछे हेले केन्द्र योजना के हाइजा करुचन राज्य सरकार पक्का घर देवाके केन्द्र भागीदारी नु राज देखाउचे बीजेपी लागी सत्ता जनतांकर सेवा करबार गुटे ही माध्यम जेंती लगी देशर प्रधान सेवक भावे काम करुचन प्रधानमंत्री ओडिशावासी राज ने विकास चाहूतिले दल के भोट देवाके अपील करिचन पुरेन्देश्वरी और जो उत्साह मैं देख रही हूँ अपनी कार्यकर्ताओं के अंदर ऐसा लग रहा कि ये अभी से तैयार है जो चुनाव आने वाले हैं 2024 में उनके लिए हमारे कार्यकर्ता पूर्णतः तैयार है और वो चुनाव लड़ने के लिए लड़ाई मैदान में उतरने के लिए उत्सुक भी है ऐसा तो मुझे सीधा और साफ मेरे कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद मुझे लग रहा है और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से यहाँ उड़ीसा के जो प्रजा है उनको बताना चाहती हूँ कि हम डेवलपमेंट को लेकर लोगों के पास जाएंगे यही मुद्दा बनेगा हमारा ओडिशा के चुनाव आने वाले चुनाव में और जो अच्छा काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी देश को अपने प्रशासन के अंदर दे रहे हैं उनको भी हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों तक लेके जाना चाहते हैं सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी जी शासन यानी के अधिकार में आए हुए 20 साल हुए अधिकार माने तीन पर्याय उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री के नाते और अभी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनका 20 साल हुआ है प्रशासन में रहते हुए और गुजरात में जैसे उन्होंने डेवलपमेंट किए थे वैसे ही भारत देश को भी वृद्धि के पथ पर अपने अच्छे कामों के द्वारा और अच्छी प्रशासन के द्वारा वो लेके जा रहे हैं। पश्चिम उड़ीसा ने महिला असुरक्षित महिला के नहीं मिलवा न्याय एंता अभियोग नहीं करी बलांगीर पश्चिम उड़ीसा महिला संगठन डीआईजी द्वारस्थ होइचन वर्तमान समाज ने महिला माने असुरक्षित रहबार संगे हत्या दुष्कर्म बढ़वाके लगी हेले महिला के नहीं मिलवा न्याय 7 वर्ष है जिलार दलित छात्री स्नेहलता छुरी हत्या मामला ने क्राइमब्रांच पुलिस चार्जसीट दाखल नहीं करी बरगढ़
कुदला ग्राम पीड़िता के मामलें संप्रक्त अभियुक्त गिरफ हेले डाक्तरी छात्री निरुपमा नंद युवदय छात्री मृत्यु रहस्य उन्मोचन एवर तक नहीं हेबा एवं तक बहु चर्चित मामला ममिता मेहर हत्याकांड ने पी केनसी से समान अवस्था तुरंत अभियुक्त के विरोध ने कार्यानुष्ठान दाबी कर आंदोलनकारी पश्चिम ओडिशा रे लगातार भाव में महिला विरोधी कार्यकलाप बढ़ी चली सब बहुत किसी समस्या को लेकिन आम सार को देखाघरी को आसी कि सार नथिले आमे मैडम को क्राइम इंस्पेक्टर मैडम को देखा गलु एवं दाबी पत्र आमे आसिलु आम दाबी रही स्नेहलता छत्रियांकर मृत्यु घटना ममिता मेहरंकर कुदुला पीड़िताकर जो सूर्यकांति कुंभारंकर निरुपमा नंद ए सबू दाबी रखीचु आसमा एपर गोटे बड़ खबर कि नवेम्बर 15 नु खुलवा षष्ठ आरु सप्तम श्रेणी तेबे याकिनिकरी सूचना देइचन गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास तेबे जन कल्पना जल्पना लागी रही थिबा किबे षष्ठ आरु सप्तम श्रेणी खुलवा बोली सेटा गोट प्रकार गोटे अंत होइछे नवेम्बर 15 रु खुलवा षष्ठ आरु सप्तम श्रेणी जेनटा कि स्कूल आरु गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास सूचना देइचन तेबे कोविड कटकणा भितरे कोविड गाइडलाइन भितरे आरंभ हेबा आबर सबनु गोटे बड़ खबर देखुचन जेनटा कि नवेम्बर 15 नु षष्ठ आरु सप्तम श्रेणी क्लास आरंभ हेबा तेबे ए बाबत ने अटका सूचना लगी जोड़ीचन आम प्रतिनिधि सतरूपा सामंतराय सतरूपा देखमा जितेबले आगु भी चर्चा होता सप्तम आ ष श्रेणी केवे खुलवा से गोटे प्रकार अंध हो रु नवेम्बर 15 खुलवा कौन अटका सूचना रही है सतरूपा देखुन बेणु जदि कहमा अष्टम श्रेणी रु जदि द्वादश श्रेणी पर्यंत क्लास पढ़ा चली स्कूल के छात्र छात्री मैंने जाऊन वर्तमान गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास जहां सूचना देचन कि आयला नवेम्बर 15 तारीख के फेर घाय दुईटा श्रेणी खुलवा के जोचे जेनटा हला षष्ठ आर सप्तम श्रेणी इथिन लागि खूब शीघ्र गुटे एसओपी भी जारी करबे सरकार राज्य सरकार तरफ रु गुटे एसओपी भी जारी करा जिबा केनता करी पाठ पढ़ा हबा केन केन समयानु केन समया को छात्र छात्री मान के पाठ पढ़ा जिबा स्कूल भितरे सेता नै कि भी गुटे एसओपी जारी हबा 12 तारीख के फेर घाय इथिके इटा के देखरी आर गुटे बैठक बसबा उच्च स्तरीय बैठक बसबा जेनथिरे पूरा सूचना दिया जिबा बोली करी गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास कोइचन तो जदि को देखमा बेणु कि अनेक दिन धरी करी जते बेला महामारी चली कर रहितला पाखाबाकी 2 बछर रु अधिका हे जेबा छात्र छात्री माने स्कूल ने आसुथे जहां पढुथले ऑनलाइन थी पाठ पढुथले एबे फेर घे स्कूल खुलुछे धीरे धीरे फेज बाय फेज स्कूल खुलवा के लागी छे वर्तमान जदि कहमा अष्टम रु प्लस 2 तक जतले छुआ माने स्कूल जाउछन पढवार लागी फेर घे बिठन बड़ खबर वर्तमान आसी करी पहुंची छे षष्ठ आरु सप्तम 6 क्लास और 7 क्लास खुलवा के जोचे एवं इथिन लगी गुडे नुआ एसओपी फेरघा जारी करा जीवा केनता हिसाब रे छात्र छात्री माने पढबे जेतु के महामारी एबे भी रही छे तो महामारी भीतर छात्र छात्री माने केनता करी ऑफलाइन रे पार्ट पढबे केतरा श्रेणी गुहथि पढबे केन केन समय रे पढबे केन केन टाइम रु केन केन टाइम तक पढबे रिसेस पीरियड रहबा कि नै ई सबु के नै करी फेरघा गुडे नुआ एसओपी जारी करबे राज्य सरकार जन राज्य सरकार रो शिक्षा विभाग फेर गुडे एसओपी खूब शीघ्र जारी करबा किंतु एबे वर्तमान सबठन बड़ खबर जेनटा आसी करी पहुंची छे आसंता जे नवेम्बर आयला नवेम्बर 15 तारीख के स्कूल रो षष्ठ श्रेणी आ सप्तम श्रेणी 6 क्लास आ 7 क्लास फेर गए खुलवा के जाउचे नियति भाबरे सतरूपा आमे देखुचे जते बेले कोविड एबे भी लागी रही छे छात्र छात्री सुरक्षा दृष्टि निहाती भाव में गोटे नुआ एसओपी आसवा तार सागे षष्ठ आरु सप्तम श्रेणी पिलांकर पाठपढ़ा आरंभ होगा जेनटा कि बड़ खबर नवेम्बर 15 नु खुलवा षष्ठ आरु सप्तम श्रेणी एकनिकरी सूचना देचन गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास। आसमा अलगा खबर के स्मार्ट सिटी राउरकेला ने शिक्षा व्यवस्थार अजब दृश्य 500 मीटर दूरे दुई दुईटा स्कूल गोटे स्कूल स्मार्ट सिटी हेबाके जाउछे तार संगे अलगा स्कूल अवहेलित अवस्था ने पड़ी रही छे विपद संकुल अवस्था ने पाठ पढ़ुचन छात्र छात्री श्रेणी गृह नैथिबानु गोटे क्लासरूम ने पढ़ुचन दुईटा क्लास रो पिला नुआ श्रेणी गृह मध्य एबर तक छात नै हेबा
आज छठ पूजार पहला दिन उत्तर भारत विशेषकर बिहारी संप्रदाय लोकंर गणपर्व छठ लोकंर आस्थार महापर्व छठ पूजा राज्यर भिन्न भिन्न स्थान में आयोजित होती। कोरोना संकट भितर भी लोके संपूर्ण भाव भक्ति सागे ई पर्व के पालन करुचन। सूर्य देवतांकर भौणी होचन छठ माँ। परिवार मंगल तथा समाज मंगल लगी छठ माँ कर पूजार्चना विधि रही। व्रतर आज पहला दिन अस्तगामी सूर्य के जल अर्पण करबे व्रतधारी। उद्वार सूर्य के आसवा काली अर्घ्य अर्पण करबे तार संगे से सेवा छठ पूजा। दीपावली छः दिन पर ई छठ पूजा पालन विधि रही। राउरकेला सहर ने बसवास करुवा बिहारी संप्रदायर लोक मैंने ब्राह्मणी कोएल शंख नदी कुलने अस्तगामी सूर्य के पूजार्चना करबे। सेन्ता झारसुगुड़ा सहरांचल बीटीएम कॉलोनी बक्सीचक बुरोमाल सरबहाल पुराणा बस्ती सागे बजराजनगर मंडलिया बेलपहाड़ सागे बंद बाहल भिन्न भिन्न जलाशय ने बिहार आरु उत्तर प्रदेश बासिंदा अस्तगामी सूर्य के पूजा करुचन। बहु संख्याने पुरुष और महिला छठ माँ के भक्ति अर्घ्य प्रदान करुचन। व्रतधारी मैंने रात्रि उजागर रहबार सागे आसबालकारी उदित सूर्य के पूजार्चना कर व्रत भांगे। तेबे ए बाबद ने अतका आलोचना लगे आम संगे जोड़ी इच्छन आम राउरकेला प्रतिनिधि सस्मिता पृष्टि। सस्मिता देखमा आज होचे छठ पूजार पहला दिन काण रहीचे केन्ता रीतिरीति ने पूजार्चना करुचन लोक माने। देखंतु आज होचे छठ पूजार प्रथम दिन। प्रथम कि सूर्य को अर्पण करा जाए पानी अर्पण करा जाए आज तापर अर्घ्य अर्पण करा जाए आज संध्या बेले। देखुथिबे मो पछाड़े दृश्य देखाइबा को चाहिबी से माने सूर्य को अर्पण करिक माने अर्पण करुछंती एवं काली सखाळे मध्य सूर्य को अर्पण करी तांको व्रत भांगिबे। सीधा सळख तांको सहित आलोचना करिबा कि कोन पई छठ पूजा पालन करा जाए एवं काहे खुशी से कर रहे हैं। छठ माई दिए हैं, छठ माई हमारा दिए खुशी से कर रहे हैं। उनका महिमा हुआ है, बाल बच्चा बड़ा है तो कर रहे हैं। किस लिए पालन करते हैं? बाल बच्चा का खुशी के लिए कर रहे हैं, और किस लिए करेंगे? बाल बच्चा 3 दिन रहते हैं। आज क्या किया? आज पहला अर्घ है तो आज दिन भर उपवास है बनाने को। आज पूरा में जो बनाए उनाए अर्घ दे रहे हैं छठ माँ का। आउ जन सहित सीधा सड़क सी एवं अर्घ्य दूसरी सीधा सड़क देखा चाहिए दृश्य किभली भाव स्वामी स्त्री दुईज मिसिकी अर्घ्य देवर दृश्य देखिपे। गोटे कुलर समस्त प्रकार फल फूल दीप धूप एवं ठेकुआ जो बिहारी समाज मेन जो प्रसाद रही ठेकुआ को ये करके से माने पूजा करी थांती एवं तांकर विश्वास रही कि छठ पूजा कले छठी मैया सब विश्व का माने मनस्कामना पूजा करी थांती। तांकर सहित सीधा सड़क आलोचना करिबा क्या बोलेंगे आज क्या मेरी मां बहन पहली बार कर रही है। पहली बार छठ कर रहे यार के कितना साल हो गया? पहली बार तो प्रथम करके से छठ पूजा आज कर सहित सान को पचार कि केमती कौन रही छठ पूजा आज पहला बार कर रही है। और क्या करते हैं छठ पूजा में? छठ पूजा में पहला अर्घ देते हैं, उपवास रहते हैं 3 दिन का। कल दूसरा अर्घ देंगे सुबह में, बस उपवास पारण करेंगे सुबह में। छठ पूजा एक आस्था है हम लोग का, पूजा है सबसे बड़ा। पचारूले कि छठ पूजा रे आम मानने मनस्कामना पूर्ण होता है जहाँ मागी था सूर्य देवता से मैंने दे था विश्वास रही। सस्मिता में देखुचे जितेबले आज छठ पूजार पहला दिन रीतिनीति अनुसार पूजा चलीचे भिन्न भिन्न जगान ओडिशार देखुचे आम केवल सुंदरगढ़ नहींचे झारसुगुड़ा अंचल ने भी देखवाके मिलीचे। जितेबले बेलबुड़ा समय हेलान सूर्य अस्तगामी सूर्य पूजार्चना चलीचे आसवा काली सकाल सूर्य देखिकर ये पूजार व्रत भांगे व्रतधारी मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद सस्मिता आपंटर तमाम सूचना लगे।
फेर पदाने पड़ला विजु स्वास्थ्य कार्डर विफलता। महालिया ने चिकित्सा आशा करुवा रोगी केन्ता घरे हस्पिटाल ने जाकर हैरान होचन य दृश्य देखा के मिली। हेन्ता गोटे गरीब हिताधिकारी होचन संयुक्ता। विजु स्वास्थ्य कार्ड थाइकर भी भुवनेश्वर घर हस्पिटाल चिकित्सा करवाके मना करदे जेन्तिर लगे कार्ड थाइकिना लाख लाख टंका गणीचन संयुक्ता। सुंदरगुड़ देखमा रिपोर्ट। इंद्रावती मुखीगुड़ा केनाल ने पानी जुगाबा दाबी ने रास्ता अवरोध। कलाहांडी जिला जयपाटना कलमपुर ब्लक तेरनु अत्का पानी पंचायत तरफ रास्ता अवरोध करा देखा के मिली। केनाल मरामती नहीं बेलके रबी ऋतु ने चार जमी के पानी जुगा के बाधा सृष्टि होने बार बार जिला प्रशासन के जन भी केनसी पदक्षेप निबार जहाँके नहीं आज रास्ता अवरोध कर इंद्रावती बाम केनाल गुनगुनिया डिस्ट्रीब्यूटर तेरटा पानी पंचायत के पानी पहुँचवा लाइक अन्नदाता मैंने आंदोलन करुले आंदोलन दी थे तो आम सागे अच्छे आंदोलन करी दाबी करी तो सागे कथ चाषी आगे कौन रही है दाबी सर दाबी आम अच्छी जोटा कि आम इंद्रावती जो बाम इंद्रावती डैम जो आम अच्छी से जो बाम केनाल जा सात किलोमीटर पर्यंत आम पानी जगेबार तो आमर एटा आमर जो माने कि आमर पानी जोगे दिया जाओ जोटा कि आमर प्रकल्प अच्छी सेठर अधिकारी मैंने आमको एटा सूचना देते और लिखित माध्यम भी जनईले तो सेटा आमर एबे गुनगुनिया पंत आमर जो डिस्ट्रीब्यूटर जो केनाल अच्छी जो आमर ए पंत पानी जदि पाइबे आमर चाषी भाई मैंने बहुत किछ उपकृत हेबे से गोटे आंदोलन होइछि आजिरा दिन रे तो ए जो आंदोलन रहिछि जो पानी आसी जमी आम चाषी भाई मैंने पाइपर से दाबी रही। वन विभाग अधीन थिबा रास्ता के पूर्त विभाग के निर्माण लगी अनुमति नहीं मिलूवानु पंचायतवासी विरोध। वन विभाग कार्यालय के ताला पकी कर आंदोलन ने बसले ग्रामवासी। रेड़ाखोल बनखंड त्रिवणपुर पंचायत नु मधुपुर के जाऊबा 5 किलोमीटर एकर जंगल रास्ता के पूर्त विभाग टेंडर कर निर्माण आरंभ कर वन विभाग ये काम के बंद कर पंचायतवासी रास्ता उपर निर्भर कर चलसन रास्ता तैयार लगे अनुमति न्याय दि जाऊ बोली पूर्वर विभाग डीएफओ के दावीपत्र प्रदान दि जाता बेल के किए नाई शुनि ग्रामवासी मैंने इटाके विरोध कर त्रिवणपुर मधुपुर रास्ता सांसन हो रही है सरकार के सांसन कर दीज किंतु रास्ता गोटे किलोमीटर पर्यंत काम चली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रो डीएफओ एवं रेंजर आसी रास्ता को बंद कर दे से आम त्रिवणपुर अंचल समस्त लोक मैंने आज फॉरेस्ट ऑफिस ताला पकईजूँ एवं सात दिन आगु दरखास्त देखूँ भुवनेश्वर 5T कलेक्टर सब कलेक्टर डीएफओ एवं समस्त आड़े दरखास्त दे सारापर सात दिन पर्यंत आम कथा किसी सुनले ना से आज आम ताला पकेबा लगी बाध्य होइजूं फॉरेस्ट वाला कहजन जे आम रास्ता बोली से माने बारंबार रेंजर आसी काम बंद कर से ठिकादार भी कहजन जे मुझे लिखे देखिए पलिब मोर तो अनेक काम पड़ जाए इंडे काम कले मुझे चलिए गाँव बोली से ग्रामवासी आम 5 पंचायत लोक उत्त्यक्त हो आज बाहर आपको आंदोलन करेंगे जोरदार आंदोलन हम तमें लड़ई हम राज रास्तार लड़ई हम रास्तापी दरकार पड़े आम 5 पंचायत लोक जीवन भी देवा लगे दिवार छुआ मैंने पाठ पढ़ी जाइन पार्बा गोटे नाल अच्छी गोटे पानी सबुद से पानी लगे छुआ मैंने बहुत व्यवस्था ना किसी सहयोग ना करवा सरकार जेहेतु आम मधुपुर त्रिवणपुर चंद्री छक रास्ता होगा बोले आम छुआ मैंने खुशी से जापारे पढ़ी बर्षा दिन आर आमले जाई ना पार्बा गर्भवती महिला मानक बोह कि नहीं आने सबुदिन करा जेहेतु आमर युग आईलान आर सेवल जुगर अच्छे सेवल जुग किसी नाइन से आम युगे आम चलवा बोल कि बौद अबकारी विभाग आड़ चालाण होता बेले गाड़ी सागे विपुल परिमाण गंजेई जबत। अनुगुल जिला बइंडा अंचल नु जितु पोड नामक जने युवक गोटे टाटा एसी गाड़ी जुगे गंजे नहींकर जाता बेलके मुर्सुंडी छक निकने अबकारी विभाग आड़ चढ़ाऊ होता धरा पड़ा गंजेर परिमाण प्राय 1 क्विंटल एतका हवा बेलपड़ा पुलिस पेट्रोलिंग करवा बेले चाउल भरा ट्रक जबत।
ଟ୍ରକ୍ନୁ ବେଆଇନ ଚାଉଲ ଥିବାନୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଚାଲକକେ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଟ୍ରକ୍ କଲାହାଣି ନର୍ଲାନୁ ଆସୁଥିଲା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଶ୍ୟାମଜି ଟ୍ରେଡିଂନୁ ଚାଉଲ ନେଇକରି ବୌଦ୍ଧ ଗଲାବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ଟ୍ରକ୍। ପୋଲିସ ସାରୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦନେ ରେଳାକୋଲ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ରେଳାକୋଲ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦରଦାମ ହୋ ହୋଇ କରି ବଢ଼ୁଥିବା ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ନେଇକରି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସାତକମା ଠାନେ 70ତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗୋ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ସବରେ କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାୟକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଗୋପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନାହିଁ କରି ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍। ସାରା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗୋ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଆମର କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାତକମା ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍, ଯେ କୃଷକମାନେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଜନସଚେତନତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳିଆ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ ମାନେ ଇଏ ଗାଈ ରଖିକରି ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା, ଏଇଟା ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ଏଇ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ଗୋ ଚାଷ ବିଷୟରେ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଯେଉଁ ପ୍ରାୟୋଜନାଟି କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବାର ଭାବନା ରଖିକି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି କେମିତି ରାଜ୍ୟର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ତା'ର ଗୋଟେ ସୁପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଗାଈକୁ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଗାଈର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ସେମିତି ରହିବ, ଆଉ ଗୋ ପ୍ରଜନନର ବି ତାର ସେଇ ହିସାବରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ। କାରଣ ଗାଈ ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଦାନା କିଣିକି ଜଣେ ଚାଷୀ କେବେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବନି, ତାକୁ ଦରକାର ସେ କିଛି ଘାସ ଚାଷ, ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ଦାନା, ତା ସହିତ ତାର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯେମିତି ତାକୁ କାଲସିୟମ, ମିନେରାଲ୍ସ, ଭିଟାମିନ୍ସ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ସେ ସବୁ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ସେ ସବୁ ଦେଲେ ଗାଈର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ସମୟ ହେଇଛି ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, କେ ଏନ ଶର୍ମା ଜୁହାର।